अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल eduga.com, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की बात करेंगे, जिनके एग्ज़ाम्स जो है 24 तारीख से जैसे उनके स्टार्ट होने वाले हैं, और अपने क्वेश्चन पेपर्स के बारे में और जितने भी हमारे आंसर शीट, इन सारी बातों को एक बार दोबारा से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको एक बार रिविजन सी हो जाए और कैसे आपने अच्छे अंकों से पास होना है उसके बारे में भी इसमें वीडियो में बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम सीधा लिए चलते हैं कि जो पेपर्स हैं वो दो सेशंस में होने वाले हैं, 10 से 1:30 बजे तक और 2 से 5:30 बजे तक। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और एडमिट कार्ड जो है 24 तारीख के 5 बजे के बाद अवेलेबल हो जाएगा, और आपने जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम जैसे ही स्टार्ट होंगे डेट शीट्स आपने चेक कर लिया, डेट शीट्स की भी मैंने अपडेट डाल दी थी, लगभग डेट शीट सारी सब्जेक्ट्स के आगे, कुछ एक सब्जेक्ट जो रह गए हैं उनके भी आने वाले हैं। अब इसमें जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेजेस से ही अपने रोल नंबर को प्राप्त करेंगे, और जो एग्ज़ाम्स का जो लिंक है वो आप जानते हैं क्या है हमारा, www.puexamination.ac.in। अब जो हम बात मेन करने जा रहे हैं कि अब क्वेश्चन पेपर आपने अब डाउनलोड कर लिया, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी आंसर शीट्स की जो है मैंने आपको सैम्पल दिखाया था वो आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसके ऊपर आपने A4 साइज़ का होना चाहिए, बैक साइड नहीं लिखनी है, वन साइड आपने रिटर्न करनी है जो कि रूल्ड होने चाहिए, और इसके ऊपर बताइए है आपको क्या क्या लिखना है। वो सारी बातें दोबारा बता देता हूँ, कॉलेज, रोल नंबर, मीडियम, पेज नंबर, डेट, सब्जेक्ट एंड सिग्नेचर ऑन एवरी शीट। इसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है, 16 शीट मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, अपने ही हाथों से पेपर को अटेम्प्ट करना है, और नीचे नोटिंग भी देना है कि मैंने सारा पेपर जो है अपने हाथों से रिटर्न किया है ऑन राइटिंग। इसके बाद पेपर सॉल्विंग का जो टाइम है वो आप नोट कर लें, क्योंकि कंफ्यूज ना हो कहीं, क्योंकि गुरु नानक यूनिवर्सिटी की अलग है, पंजाब यूनिवर्सिटी की अलग है, पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की जो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर 2.5 घंटे का टाइम है आपके पास, और आपने जो है 1 घंटा आपको वैसे और दिया गया है उसके लिए अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए, और इन केस ऑफ ब्लाइंड आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर सिर्फ 50% अटेम्प्ट करना है, ये सबसे बड़ी बात है, और इसमें भी मैंने बताया कि अगर ऑड नंबर्स हैं तो ऑड नंबर्स में आपको चॉइस मिल जाएगी, जैसे अगर सपोज 7 क्वेश्चन आए हुए तो 3.5 बनते हैं, तो 3.5 में से आपको सिर्फ 3 ही करने हैं, 9 क्वेश्चन हैं तो 4.5 बनते हैं तो 4 ही करने हैं, तो ये बात आपने ध्यान रखना है, 5 नहीं करना है, तो 0.5 को आपने निगलेक्ट कर देना है। आफ्टर सॉल्विंग द पेपर आपने क्या करना है, PDF बनानी है, PDF बनाकर आपने स्कैन करना है, और जो ईमेल आईडी आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी उसके ऊपर आपने सेंड कर देना है। इफ ईमेल इज नॉट अवेलेबल देन सेंड द आंसर शीट बाय रजिस्टर्ड, अगर ईमेल अगर नहीं अवेलेबल है किसी बच्चे का तो उसके केस में क्या करेगा, वो रजिस्टर्ड पोस्ट से डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को ये सेंड करेगा, और टाइमली सेंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली द प्राइवेट एंड द सेम डे आंसर शीट विल बी स्पीड पोस्ट, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आंसर शीट को बाय पोस्ट सबमिट कराना है सेम डे, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके बाद हम अब बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स के अंदर जब आप पेपर कर रहे हों तो क्या क्या बातें सावधानी बरतनी है। एक तो सबसे पहले कि क्वेश्चन पेपर आपने सबसे पहले सही डाउनलोड करना है, सॉरी आपने सबसे पहले सब्जेक्ट कोड्स चेक कर लेने हैं डेट शीट के माध्यम से, और आपने अपना पेपर कोड चेक करते हुए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, और उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद उसको एक बार स्टडी करना है, रीड करने के बाद पेपर शुरू करना है। पेपर शुरू करने के बाद आपने 16 पेज आपने यूज़ करने हैं, तो आपने पहले ही देख लेना है कि भाई कितने पेजेस मेरे लग सकते हैं किस क्वेश्चन में, वो आपने पहले ही कर देना है। ऐसा ना हो कि आप 15 शीट यूज़ कर चुके हों और आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हों और फिर एक ही शीट बचती हो, तो आपने ये मैनेज करना है कि अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उसको इक्वली डिवाइड कर देना है 16 पेजेस के अंदर, क्योंकि हालांकि 16 पेज काफ़ी नहीं होते हैं, क्योंकि जो MA वगैरह के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा शीटें होनी चाहिए थी, लेकिन अभी जैसे इंस्ट्रक्शंस आया है तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा, पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, जितनी बताई गई है उतनी करनी है। उसके बाद हर पेज के ऊपर आपने सिग्नेचर करना है और नंबरिंग जरूर कर देना है, और अपलोडिंग जब PDF बनाएंगे, PDF अपलोडिंग करने के बाद आपने चेक करना है कि आपकी PDF जो है अपलोड होगी है या नहीं, अगर नहीं हुई है
अपलोड हुई है कि नहीं हुई है वो इसलिए चेक करते हुए आपने इसको करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज एजुकेट.com। धन्यवाद।